तो ये आप आपके बारे में काम तासुर है आप, आप खुद ही बताएंगे ठीक है गलत है क्या लोगों को लगता है कि आपको स्टेब्लिशमेंट से कोई मसला है वाकई है मसला है तो मुझे, है? मुझे अच्छा ये बड़ी अजीब बात है मुझे से कोई मसला नहीं, को मुझे, <laughs> मसला <से> नहीं। <laughs> मुझे कोई मसला नहीं क्या अच्छा, मसला, है? मसला ये है मैं बताता हूँ जो जो चीज है ना छोटी सी वो है और खलाफ और खिलाफ में फर्क मेरा इस्टैब्लिशमेंट से इख्तलाफ है और इख्तलाफ है आ, आ, उनके रोल के ऊपर लेकिन मैं इस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं हूं लोग होते है हैं ना बड़े कहते हैं फखते मैं एंटी एंटीब्लिशमेंट हूं और मैं यू you नो know, मैं इस्टलाफ नहीं इस्टलाफ नहीं। इस्टलाफ नहीं। मैं अपने आप को किसी के भी एंटी समझता नहीं हूं आप मैं समझता हूँ कि दलील के ऊपर मुझसे बात करें मुझे कन्विंस करें मैं दलील से समझता हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री और उसकी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने पाकिस्तान में जो आज तबाही आई है या पाकिस्तान में जो एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसमें रोल प्ले किया मैं ये दलील से समझता हूँ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की माशी बदहाली में हमारी इन महकमों का एक किरदार है मैं उनकी नीयत पे डाउट नहीं करता हूँ मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो वो, वो, वो मफाद में कर रहे हैं और नतीजे आप देख रहे नहीं हूँ नहीं, तो खिलाफ खिलाफ नहीं। नहीं। इख्तलाफ मुझे जरूर है लोग बुलाते हैं और साफियों को कायल भी करते हैं बताते हैं वो बात तो जब हमें भी बताई जा रही तो ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं जी हम ये स्टेप लेना चाह रहे हैं आप लोगों को भी चाहिए हमें सपोर्ट करें वो। जब आपके साथ तो आप बेशुम हो चुका है अब जब आपको क्या कोशिश करते हैं आपको कायल करने की आप गुज्ता दिनों कुछ अर्सा पहले जो दो इंटेलिजेंस के इदारे हैं मैं मिल्ट्री इंटेलिजेंस के इदारों की बात कर रहा हूँ जो कि सबको पता है सब जी जो दो इदारे हैं तो उन दोनों इधारों ने मुझसे रहा किया और बड़े रिस्पेक्टफुल अंदाज में दोनों ने रब्ता किया और मैंने उनके जो ऑफिसर्स थे मैंने उनको दो बातें बताई बड़ी क्लियर मैंने कहा जी पहली बात तो ये है कि मैं आपसे मेरा फ़िक्री इख्तलाफ है और आ, आप आए मैं आपको चाय पिलाऊंगा आपको अगर खाने का टाइम हुआ तो जितनी मेरी सकत हुई मैं उसमें खाना भी खिलाऊंगा जो एक मेज़बान किसी भी शरीफ आदमी के आने पर करता, पे करता है।, है तो जो भी मुझे मिलने आया तो मैंने उनको इसी तरीके से पेश हुआ इनके मेज़बान के तौर पे मैंने उनको किया एक बात तो ये हो गई दूसरी बात यह कि मेरे मैंने उनको वाजह किया कि देखिए मैं जो कि फिक्री तौर पे इस बात के खिलाफ हूँ कि हमारे जो अदारे हैं वो पॉलिटिक्स में आए और आप जैसे अदारे पॉलिटिक्स में आए आईबी का तो देखो ना सिविल गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करती है मैं आई को फिर क्वेश्चन देता हूँ ठीक है तो मैं जो कि फिक्री तौर पे इस बात के खिलाफ हूं तो इसलिए मेरा आपसे कोई कोई रहना या मैं आपके दफ्तरों में आके बातें करूँ तो, तो बात अच्छी नहीं है हाँ मुझे ब्रीफिंग के लिए बुलाएं आई वुड लव टू कम वैसे आप आपकी मुलाकातों में यकीन नहीं रखते मैं मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता और पहले किसी ज़माने में करते रहे जी बिल्कुल मैं करता रहा हूँ मैं जब अप्रैल 99 में जर्नलिज्म शुरू किया उससे लेकर 2003 हजार तक मैं बिल्कुल आ, करता भी रहा हूँ चार के बाद मुलाकातों के लिए नहीं जाना हुआ नहीं नहीं अच्छा। नहीं, नहीं नहीं वो तो फिर तो चार में, में मेरा खत्म हो गया आपने खुद ही ये देखना इंसान सीखता है इंसान सीखता है और मैं इनिशियली जब अप्रैल 1999 में जब जर्नलिज्म का आगाज़ किया तो हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़ के आए हुए टाट वाले स्कूलों में पढ़ के आए हुए हैं हमने वही मुताल पाकिस्तान पढ़ी हुई है जिसके ऊपर आज हम सवाल उठाते हैं जी वही पढ़ी हुई है ना बाकी किताबें तो बाद में हमने पढ़ी हमारे पास तो सच्ची बात है पैसे नहीं थे कि वो हम महंगी महंगी किताबें इंग्लिश मीडियम की लेके पढ़ते और पता लगता कि हमें हमने तो वो जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जो हमारे आम बच्चों को दिया जाता हमने तो वही पढ़ा था फिर जब बाद में किताबें लेके पढ़ना ही शुरू की आदत थी कोई किताब से थोड़े बहुत तल्लु की फिर बड़े पढ़े लिखे लोगों से मुलाकातें हुई उनसे गपशप हुई और बड़ा कुछ सीखा तो फिर पता लगा कि यार ये तो हमें गलत बताया जाता है बहुत सारी चीज़ें गलत बताई जाती हैं तो ये बात है